हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हलचट का फेस्टिवल है, उसका व्रत है और आज के दिन हम भगवान की पूजन करते हैं। आज का दिन बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के दिन हम जितनी भी मदर्स हैं वो अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। और आज के दिन ही श्री कृष्ण जी के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, जिनका प्रमुख शस्त्र है हल। इसलिए मान्यता है कि हल से जुता हुआ अनाज इस व्रत में नहीं खाया जाता है। और हम प्रमुख रूप से 7 प्रकार का अनाज, जिसे सतगजरा भी बोला जाता है, उसे हम चढ़ाते हैं। और षष्ठी देवी जी की पूजन की जाती है, जिसे हम हरछठ माता के नाम से भी जाते हैं, छठ माता भी इन्हें कहा जाता है। तो मैंने भी आज इस व्रत को रखा है और आज मैं जा रही हूँ अपने पड़ोस में दीदी के यहाँ पूजन करने के लिए। तो चलिए हम सभी जाके अब हम पूजन करते हैं। फ्रेंड्स, हम पूजन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, घर से निकलते ही बहुत तेज बारिश होने लगी और हम दीदी के यहाँ पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, आरती के साथ साथ हो गई है हमारी पूजन एंड। अब हम सभी महिलाएं आपस में एक दूसरे को तिलक लगाकर प्रसाद में जो हमने माता को चढ़ाया था वो भेंट देंगे। तो फ्रेंड्स, इस व्रत का एक नियम है कि हमें दही चाटना पड़ता है, वो भी बिना हाथ टेके एक पत्ते के ऊपर रख के। आप देख रहे हैं मुझे, मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। पूजन हो गई है खत्म और अब हम सब निकल चुके हैं अपने घर की ओर। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं घर। अब मैं अपने मम्मी जी को प्रसाद देकर उनका आशीर्वाद दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ वापस अपने घर हलचट की पूजन करके। अब हम सब जाने वाले हैं अपने पुराने घर, क्योंकि वहां पर आज के दिन हम करते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और अभिषेक। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं कि हम कर रहे हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शुद्ध मिट्टी से हम करते हैं और इन्हें हाथों से ही बनाया जाता है। और कहते हैं कि जो भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं उनकी हाथों की रेखा भोलेनाथ बदलते हैं। और इसके बाद हम करेंगे अभिषेक शिव जी का, जैसा कि आप आगे देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम जाने लगे हैं वापस घर और आज सबका व्रत है तो मुझे जाकर सबके लिए फलाहार बनाना है। फ्रेंड्स, मुझे अभी मालूम चला है कि हमारे पड़ोस में अभी ब्रह्म कमल खिला है जस्ट अभी, तो हम सभी पहले उसी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। उसकी हम पूजा भी करेंगे और हम आपको भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक साथ दो दो ब्रह्म कमल खिले हैं, हमने इनका पूजन भी करा। तो फ्रेंड्स, आज हमने हलचट की पूजन करी, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और अभिषेक करा और आज हमें मौका मिला ब्रह्म कमल के दर्शन करने का, तो वो भी हमने करा। क्योंकि ब्रह्म कमल, जैसा मैंने आपको बताई थी कि 12 साल में एक बार खिलता है, उसके दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, तो हमें आज मौका मिला था। तो मैंने ये सोचा कि आपको भी मुझे दिखाना चाहिए, तो मैंने आपको दिखाया। और इसी के साथ अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। मेरे वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।